शाबाश मेरे पास आ जाओ। ये लें जी, मेरा एक दोस्त मेरे पास आ चुका है, फिर से मेरे पीछे आ रहे हैं। अब भाई आ जाओ, अच्छा आ जाओ, उन दोनों को भी बुला लो ना। ओहो क्या हो रहा है भाई, आराम से पानी पिला रहा हूँ, इतने दूर से आए हो। तुम्हारे ही बच्चे हैं, डर गई है। पहली दफा मैंने फीमेल को देखा है इतनी गुस्से में आ गई है, लगता है अपने बच्चों को ना वापस लेने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारे घर में ना बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेहमान आए हुए हैं। है किधर? एक मेहमान हमारे यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा ही इधर घूम रहे हैं। मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। दोस्त तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, दोस्त इधर 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 किधर भाग रही हो यार, मेरे पास हो ना। तो ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह आज हमारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ऑस्ट्रिच के बच्चे आए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही यार क्यूट है। अभी थोड़ी सी देर पहले आए हैं, और आते ही ना सबसे पहले, क्योंकि ये घास में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो हमने इन्हें घास में छोड़ दिया ताकि थोड़े से घूम फिर लें। काफी दूर से आए हैं ना, थोड़े से फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपकी मुलाकात इनसे आराम से करवाऊंगा। इधर 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 शाबाश मेरे पास आ जाओ। ये ले जी, मेरा एक दोस्त मेरे पास आ चुका है। हाँ क्या खाना है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक ये रहा, और भाई तीसरा किधर गायब हो गया? ये रहा। एक तो ये ना गायब हो जाते हैं, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, फिर इन्हें ढूंढना पड़ता है। फिर से मेरे पीछे आ रहे हैं। अब भाई आ जाओ, अच्छा आ जाओ, उन दोनों को भी बुला लो ना। भाई तीनों में से एक कोई मेरे करीब आता है, बाकी दो दूर दूर आ रहे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, शाबाश। अब वो तीसरे ने देखा ही नहीं है। ओहो भूख तो नहीं लगी? मुझे लगता है यार इनको प्यास लगी हुई है, काफी दूर से आए हैं, तो मैं ना सबसे पहले इनको पानी पिलाता हूँ। सरिंज आ चुकी है, बस इतना सा पानी इन तीनों के लिए काफी होगा, बस यार थोड़ा सा चाहिए होगा। शकील भाई आप पिलाएंगे, मैं इनको पिलाऊं? पिलाता मैं तो अक्सर मोस्टली पिलाता रहता हूँ, लेकिन आप पिला देंगे ना तो सबसे बेहतर उसका ये होगा कि आपको जब बच्चे ठीक है ठीक है, मैं खुद पिलाता हूँ भाई, आखिर बच्चे मैंने भी तो पालने हैं ना। तो आप ये पकड़े, मैं अभी बताता हूँ कि भाई कैसे इनको पानी पिलाते हैं। वैसे बस ऐसे ही जैसे नॉर्मल पिलाते हैं। हाँ इसमें देखिए, या इसका फेस ओपन करें, इसका तो माउथ और थंब इसके अंदर दे देना, ऐसे ऐसे ये देखे ना, दो सुराख, ये सुराख, ये वाला सुराख सांस वाला है, वो पीछे वाला जो इसका खुराक वाला है। आपने अच्छा यहाँ से ये सांस लेता है? यहाँ से सांस लेता है, वो आपने आगे लेके जाना थोड़ा सा ना। ये देखिए अभी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता से इसको पानी पिलाते जाए। ओहो क्या हो रहा है भाई, आराम से पानी पिला रहा हूँ, इतने दूर से आए हो। कितना पिलाना है? पाँच पाँच सीसी पिला दे। ये पाँच सीसी तो हो गया, बड़ा हो गया। अभी देखना, हम ये देखें बिल्कुल फ्रेश है ना? फ्रेश हो गया जी, फ्रेश हो गया। अभी इसको नीचे छोड़ेंगे ना, देखिएगा कितनी तेजी से फ्रेश हो गया। अभी इसको पानी पिया, अभी दूसरे की बारी आ गया तो दूसरे को पिलाते हैं। दोस्तों नन्हे मेहमानों को यार मैंने ना अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि बाहर इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है, और इनके लिए ये ठंड काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर ये थोड़ी सी देर पहले आ जाते ना, मौसम तब ठीक था, तब इन्हें हम अच्छे से घुमा सकते थे, लेकिन अब ठंड ज्यादा होगी या बारिश आने वाली है, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया ना इनके लिए तो ये मर भी सकते हैं। तो इनको अभी हमें फार्म हाउस पे लेके जाना है। पहले तो मैंने अपने ऑस्ट्रिच को ये बच्चे दिखाने हैं, उनका रिएक्शन देखना है, उसके बाद ना फिर हम इनको ना कहीं सिक्योर जगह पर कमरे के अंदर रखेंगे, इनको अभी हमने बाहर नहीं निकालना। यहाँ से सबसे पका हुआ टमाटर तो फिलहाल मुझे यही नजर आ रहा है, इसको ना मैं ऐसे तोड़ता हूँ थोड़ा सा। ओए होए, इसमें से रस निकलना शुरू हो गया। चलो भाई खा लो, ये लो खाओ। यार ये तो खा ही नहीं रहे, इन्होंने अभी देखा ही नहीं है, ऐसे ही टमाटर मैंने जाया कर दिया। ये अभी बच्चे हैं ना, इस तरह की चीजें ये छोटे हैं, खाएंगे नहीं। तो अभी हम इनको लेके जा रहे हैं भाई सीधा ऑस्ट्रिच के मेल और फीमेल के पास, उनका रिएक्शन देखेंगे कि वो अपने बच्चों को देखकर पहचानते भी हैं कि उनके बच्चे हैं या फिर ऐसे ही मुंह दूसरी तरफ करके बस अपने काम से काम रखते हैं। ऑस्ट्रिच फीमेल ने देख लिया, लगता है पहचान लिए किसी के बच्चे हैं, इंतजार कर रही है। हाँ भाई तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, ये देखो इधर आओ ना, ये देखो लगता है डर गई है, वो मील मारने के लिए आ रहा है। ये देखो यार तुम्हारे बच्चे, ओ पहचान गया पहचान गया। मेल को कोई फिक्र ही नहीं है कि भाई उसके बच्चे आए हैं, मुझे लगता है फीमेल ने ना दूर से पहचान लिया, इतने गर्दन लाकर खड़ी हो गई थी। यहाँ पर अंदर उनको छोड़ नहीं सकते यार, कहीं पाँव के नीचे ना मार ही ना दे। तो हम ना इनको दूर से एक दफा फिर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो ये यार ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, डर गई है। और पहली दफा मैंने फीमेल को देखा है इतनी गुस्से में आ गई है, लगता है अपने बच्चों को ना वापस लेने के चक्कर में। इधर कहो देख लो,
ऊपर खिला दिया फीमेल ने भाई, कि ऐसा ही ना हो, मेल तो हमला करता ही करता है कि बच्चों के लिए ना फीमेल हमला ना करते। फिर भी एक दफा ना, और लास्ट टाइम ये लो देख लो, पहचान रही है भाई, अगर तो मैं बाहर निकालूँ तो हो सकता है कि वो इन बच्चों को एक्सेप्ट कर ले और साथ घुमाना फिराना शुरू भी कर दे। जब से फीमेल ने बच्चे देखे हैं वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मजबूरी है कि अभी यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, इन्हें अंदर लेके जाना है। और दोस्तों मैं आपको अब असली वाली बात बताता हूँ कि सीन कुछ यूँ है कि शकील भाई ये तीनों मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं भाई। हमने तो 7 अंडे इनके इंक्यूबेटर में रखवाए हुए हैं, वो बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो तो हमारी किस्मत है, लेकिन ये पहले क्लच में से जो 3 बच्चे निकले हैं मेरे लिए ये उठा के गिफ्ट ले आए हैं। अब मसला ये है कि मैंने ये बात इनको पहले नहीं बताई थी, अभी वीडियो जो ही शुरू हुई है तो वीडियो में बताऊंगा ताकि फिर ये बोल ही नहीं सकेंगे। तो शकील भाई बात ये है कि आपका गिफ्ट आप लाए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन इस गिफ्ट को मैं रख नहीं सकूंगा। नहीं आज जी भाई ऐसा ना करें यार, मेरा दिल ना तोड़े। नहीं दिल नहीं तोड़ रहा, स्पेशल मैं आपके लिए लेके आया। नहीं दिल नहीं तोड़ रहा, मैं इनका दिल भी नहीं तोड़ूंगा और इनको वापस भी करूंगा। ये समझे कि आपके पास मेरी अमानत है। अब इतने छोटों के लिए ना, आपको पता है इन्हें हैंड फीड करवाना है, पानी पिलाना है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि इंजी भाई यहाँ तो आपका वेदर भी काफी चेंज है, इस्लामाबाद की तरफ ठंड भी है सर्दी भी है, तो ठीक है जैसे आप कहते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अभी भी इनको काफी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर रखते हुए भी, अभी ने मैंने अपने पास रखा हुआ है, इन्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते। जब हमें जरूरत होगी ना तो हम आएंगे और हम आपसे ना अपनी अमानत उठा के ले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह, ऐसे पता चल रहा है जैसे यहाँ पर कांटे हैं, ऐसे बिल्कुल बहुत प्यारे हैं। जब ये बड़े होंगे ये पर बड़े होते जाएंगे, लेकिन अब ये छोटे छोटे हैं ना तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हमारे घर में आए हुए नन्हे नन्हे मेहमान वापस जा रहे हैं, चलो भाई जल्दी से इनको अंदर रख देते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलो भाई जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ पर अच्छे से खाना पीना और फिर वापस मेरे घर आ जाना। तकरीबन 2 महीने बहुत है, 1.5 से 2 महीने आप अपने पास अच्छे से रखें। आपसे पकड़े नहीं जाने, बड़ी तेजी से भागे दो इनको, बस मेरे हवाले कर दें, क्योंकि इस दफा ना मैंने इनको टेम करना है और जो टेम चीज होती है भाई उसी का असल मजा है। लाया तो हूँ लेकिन देखें ना कैसे हमला करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे पास टेम हो, दूर से भी आवाज हुआ भाग के मेरे गले लग जाए जैसे हमारी रियो थी। तो इसलिए रियो तो हर बड़ी थी लेकिन ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत अच्छे से टेम हो जाएंगे। तो अपना अच्छे से ख्याल रखना, फिर मैं तुमसे मिलूंगा, वैसे मैं इनसे जाके उधर भी मिलूंगा और फिर जब ये यहाँ आएंगे ना फिर तो भाई इनसे हम रोज मिला करेंगे। कोशिश के बच्चे चले गए हैं, बिल्कुल जगह खाली खाली हो गई है। थोड़े से बड़े होते ना तो मेरा यही इरादा था कि मैं उनको यहाँ पर रखने वाला था, वो यहीं रहते, यहीं किसी केज के अंदर हम उनको रखते, लेकिन बस यार वो बिल्कुल छोटे हैं और यहाँ का मौसम मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगता है, बल्कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। एकदम से धूप होती है और फिर ये वाला सीन हो जाता है, और अभी इतनी ज्यादा ठंड हो गई है कि भाई मैंने शर्ट पहनी है मुझे सर्दी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई स्वेटर वगैरह या कोई जैकेट वगैरह ऊपर पहन लूँ, कि यहाँ का कोई पता नहीं चलता मौसम का। वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, उनको अगर हवा लग गई तो वो तो बिल्कुल एक्सपायर हो जाने थे, ऐसे नुकसान हो जाना था, इसलिए मजबूरन मुझे फिर उन्हें वापस भेजना पड़ा। अगर मौसम गर्म होता ना तब भी मैं उनको रख लेता, लेकिन संभालने का थोड़ा सा इशू है। थोड़े थोड़े बड़े हो जाए इंशाल्लाह आपको यहाँ पर वो नजर आएंगे। यार ये ऊपर क्या कोई लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है? हाँ डब लड़ रही है। ये सामने देखो भाई, मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन 2 डब हैं जो काफी देर से एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। अब मैं इनको यहाँ से कैसे छुड़ाऊं? फिर ये बार बार फिर से आ जाती हैं लड़ाई करने के लिए। हाँ इन्होंने मुझे देख लिया, चलो भाई भागो 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 भागो। ये लाफिंग डब मुझे लग रही है और ये दूसरी वाली है। ओए तुम बाहर क्या कर रही हो? है कर रही हो बल्कि तुम है, इसे क्या हो गया? इसके अंडे तो देख लो पूरे है ना, वो अंडे तो उसने छुपा दिए हैं सारे। यार अंडे इसने छुपा दिए हैं, मतलब ये बाहर जब आती है ना दाना खाने के लिए तो अंडे सारे छुपा देती है। अब ये नहीं पता कितने हैं, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिलहाल वो दाना खा रही है लेकिन बड़े मजे से ना अपने परों को फैला लेती है। ये देखें कुड़ुक होने की निशानी, वो कैसे आवाजें निकाल रही है। इतनी बड़ी ये मुर्गी बन गई, इतना छोटा सा हम चूजा लाए थे भाई, तो कोई अंडा ही नहीं है यार, सारे अंडे किधर गए हैं? मेहरान भाई ले गए, तो फिर आ गए, जो भी गुजरता है वो उठा के ले जाता है। यार ये डब नहीं डरती बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे अपने हाथों से हमारे केज में से आज़ाद हुई हुई है ना, तो इसलिए ये हमसे डरती भी नहीं है। एल्फा और चिल्ली भी पास इनके घूमते रहते हैं, और आपको ना आजकल यहाँ पर हमारी गोपी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि
उसको कजन लेकर गया हुआ दो तीन दिन के लिए, उसे पसंद आ गई, वो कहता है मैं रखूंगा। मैंने कहा यार ले जाओ, क्योंकि हमारे अल्फा चिली भी उसके साथ लड़ाई करते हैं, फिर ऐसे ज़रा लड़ाई होती है अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा तुम ज़रा अपना शौक पूरा कर लो, जब अपना शौक पूरा हो जाएगा फिर वापस हमें दे जाना। कल तक सारी फसलें यहाँ पर लगी हुई थी, आज हर तरफ से फसल काटी जा चुकी है और दाने निकाले जा रहे हैं, मशीनें हर तरफ लग चुकी हैं क्योंकि ऊपर से बारिश आई हुई है ना। तो सारे लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए, ताकि इतना जो पूरे साल की मेहनत हुई है ना, ये सारा नुकसान ना हो जाए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है यार, मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। उन बच्चों को एक दिल करता है कि नहीं भेजना चाहिए था, फिर दिल करता है कि यार अच्छा किया भेज दिया, क्योंकि वो यहाँ पर मर जाते। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है, ऐसे अगर आज की रात में उनको रख लेता, कल भेज देता तो वो ज़्यादा अच्छा था। चलो एक दिन मैं उनको अपने पास तो रखता, क्योंकि थोड़ी सी देर में उनके साथ मेरी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मतलब जहाँ मैं जा रहा था मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इस तरफ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये सारा फार्म हाउस खाली है, दूसरा घर भी खाली, यहाँ पर कोई जानवर कोई परिंदा ही नहीं है, बस वो चले गए तो सब कुछ साथ ही ले गए। और तो दरवाज़ा भी खुला हुआ है और भालू की शराफत देखें कि भाई अंदर आराम से खा रहा है, और बेला ने अपना पेट फुल कर लिया ना इसलिए बाहर आ गई है। अब ये हमें देख कर ना आएगी पक्का भाई, ये हम जिधर जाएंगे ना हमारे पीछे पीछे आएगी। आज वो इब्राहिम जल्दी से आपसे बिस्किट भी छीन के खा लेगी आज कल ना, हमारा भालू ऐसा हुआ हुआ। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इधर आओ मेरे दोस्त, इधर आओ, इधर आओ, आज तुम्हें मैं नहीं भागने दूंगा।